प्यारे बच्चों, हम सभी को तो संगीत बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या आपने कभी किसी ऐसे संगीतज्ञ के बारे में सुना है जिसके गाने से बारिश हो जाए या जिसके गाने से दीपक जल जाए? नहीं? चलो आज हम ऐसे ही महान संगीतज्ञ के बारे में जानेंगे जिनको प्यार से तानसेन कहा जाता है। बच्चों, एक बार की बात है, घनी झाड़ियों में सिंह की दहाड़ सुनकर स्वामी हरिदास की शिष्य मंडली भयभीत हो जाती है। जब तक सब लोग सावधान होते, तभी वहाँ एक 10 वर्ष का बालक हंसता हुआ बाहर निकलता है। स्वामी जी समझ जाते हैं कि यह दहाड़ इसी बालक की थी। स्वामी जी ने बालक से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? बालक ने कहा, तन्ना मिश्रा। स्वामी जी ने पूछा, तुम्हारे पिता का क्या नाम है बेटा? बालक ने कहा, मकरंद मिश्रा। तुम कहाँ रहते हो? बालक ने अपने गांव की ओर इशारा किया। फिर क्या था, स्वामी हरिदास बालक के पिता से मिलने चले गए और उनकी अनुमति प्राप्त कर बालक तन्ना मिश्रा को अपने साथ वृंदावन ले गए और वहाँ 10 वर्षों तक उन्हें संगीत की शिक्षा दी। संगीत की तमाम विधाओं में निपुण होकर यही बालक आगे चलकर तानसेन के नाम से विख्यात हो गया। संगीत की और शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्वामी जी ने उन्हें हजरत मोहम्मद गौस के पास ग्वालियर भेजा। वहां से लौटने के बाद तानसेन पुनः स्वामी हरिदास के पास लौटे और उनसे नाथ विद्या सीखी। इनके संगीत से प्रभावित होकर रीवा नरेश ने उन्हें अपने दरबार का मुख्य गायक बना लिया। इतना ही नहीं, रीवा नरेश के यहाँ जब अकबर ने तानसेन का संगीत सुना तो उन्होंने उन्हें अपने दरबार बुला लिया। उनके संगीत से ही प्रभावित होकर अकबर ने उन्हें अपने नवरत्नों में भी शामिल कर लिया। बच्चों, तानसेन के विषय में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। कहा जाता है कि तानसेन के गायन के समय रागिनियाँ साक्षात प्रकट हो जाती थीं। एक बार की बात है, अकबर के बहुत हट करने पर तानसेन जी ने दीपक राग गाया। राग के अंत होने तक दरबार के सारे दिए खुद जल उठे, चारों ओर अग्नि की लपटें दिखाई देने लगी। दरबारियों में भी हाहाकार मच गया, वे इधर उधर भागने लगे। फिर तानसेन की पुत्री सरस्वती ने मेघ मल्हार गाकर अग्निशमन किया और सभी की रक्षा की। बच्चों, तानसेन का जीवन अनेक ऐसे चमत्कारी घटनाओं से भरा हुआ है। एक बार की बात है, अकबर के आदेश से आगरा के समीप वन में संगीत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता आरंभ हुई, तानसेन की स्वर लहरी से मुग्ध मृगों का समूह उनके पास आया। उन्होंने एक मृग के गले में अपनी माला डाल दी। संगीत समाप्त होने पर मृग जंगल में भाग गए। यह देखकर सभी लोग दंग रह गए। ऐसे ही संगीत के चमत्कारों के चलते तानसेन जी को संगीत का महान सम्राट कहा गया। किंतु 1589 ईस्वी में इस महान संगीत सम्राट का स्वर्गवास हो गया और ग्वालियर में इनकी समाधि बनवाई गई। इस समाधि पर प्रतिवर्ष संगीत समारोह होता है जिसमें संगीतज्ञ आकर अपने श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं। बच्चों, तानसेन जी की सफलता का मूल आधार है उनकी कार्य के प्रति निष्ठा और निरंतर कठिन अभ्यास। हम सबको इनके इन्हीं गुणों को अपने जीवन में भी उतारना चाहिए। इन्हीं गुणों के कारण वे महान संगीतज्ञ बनने में सफल रहे।